दोस्तों, वीवो ने वीवो M7 Pro को लॉन्च करने वाला है इंडिया में और उसके बारे में वो अनाउंस कर दिया है। और ये फ़ोन कुछ खास फीचर्स दे रहे हैं, जैसे कि आपको पहली बार देखने के लिए मिल जाएगा स्मार्टफोन में डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और उसके साथ साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 की प्रोसेसर के साथ साथ ये दो कलर में अवेलेबल होगा, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। और आपको पिछले साइड पर देखने के लिए मिल जाएगा रियर कैमरा, जो कि क्वाड रियर कैमरा सेटअप, और नीचे के साइड पर लाउड स्पीकर के साथ साथ 3.5 mm ऑडियो जैक और USB टाइप सी पोर्ट। इसका बॉडी के साथ साथ आपको इस वीवो व्यू M7 प्रो पे दिखने के लिए मिल जाएगा एक 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोल्ड डिस्प्ले, जो कि कवर्ड है कर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ, और आपको दिखने के लिए मिल जाएगा उसके अंदर ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 91% और स्क्रीन के एस्पेक्ट रेशियो के बारे में बात करूँ तो 21:9 है। और ये 414 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी के साथ सपोर्ट कर रहा है 1080 2440 पिक्सल रिजोल्यूशन की सपोर्ट। बात करें इस फोन की कैमरा की, तो यहाँ पे आपको पिछले साइड में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि 48 MP की मेन कैमरा, 8 MP की वाइड एंगल लेंस कैमरा, 2 MP की डेप्थ सेंसिंग कैमरा और 2 MP की मैक्रो लेंस कैमरा। और इस पे जो प्रोसेसर इस्तेमाल हुआ है वो है सोनी के एग्जम और RSCMOS सेंसर, और इसका एपरेचर है जो कि मेन कैमरा है 48 MP की f1.78 की। और यहाँ पे फ्लैश भी आपको डार्क लाइट पे क्लिक करने के लिए डुअल LED फ्लैश की ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ 2x की ऑप्टिकल जूम भी सपोर्ट कर रहा है। और सेल्फी के लिए ये फोन तो बहुत ही फेमस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 32 MP की मेन कैमरा और 2 MP की एक कैमरा। इसके एपरेचर बात करें तो f2.0 है, और जो इस्तेमाल हुआ है सेंसर पिक्चर स्टेबलाइजेशन के लिए वो है सोनी के एग्जम और RSCMOS की सेंसर। बात करें वीवो V17 Pro की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 के चिपसेट और कायरो 460 की ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि 2 GHz की स्पीड से काम करेगा। और इस प्रोसेसर की आर्किटेक्चर है 64-bit की, और ग्राफिक्स के लिए आपको मिल जाएगा एंड्रॉइड 6.12 की सपोर्ट। इस फोन में 8 GB की रैम और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाएगा, और आप चाहे तो माइक्रो एसडी कार्ड के जरिए इसे बढ़ा सकते हो 256 GB तक। और इस फोन की बैटरी के बारे में बात कर दो, इस फोन पे आपको 4100 mAh की बैटरी मिल जाएगा, जो कि फास्ट चार्ज सपोर्ट कर रहा है, वो चार्ज होगा USB टाइप सी पोर्ट के जरिए। और ये फोन की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये है 20 सितंबर 2019, और जो प्राइस होने वाला है 8 GB रैम और 28 GB इंटरनल स्टोरेज वेरियंट की, तो इसका प्राइस होने वाला है 26,990 रुपये। आप चाहे तो खरीद सकते हो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि फ़ोन अच्छा है या नहीं।